सलार का सेकंड ट्रेलर फुल ऑन एक्शन पैक था जो बहुत ही बढ़िया था। शायद इस ट्रेलर को पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए था और ये डंकी पर भारी भी पड़ सकता था, लेकिन इसका फर्स्ट ट्रेलर एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया जिसकी वजह से मूवी को थोड़ा बहुत हेट मिला। इसके अलावा पब्लिक इसके ए सर्टिफिकेट से सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गई। अब सबको लग रहा था कि इसके एक्शन के कारण इसे ए सर्टिफिकेट मिला ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे मूवी को ना देख सके, लेकिन वो केवल एक्शन ही ए सर्टिफिकेट का कारण नहीं है। इसके अलावा 6 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 6 कारणों को कवर करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। नंबर 6 वॉयलेंस, और वॉयलेंस ट्रेलर लेवल पर ही कितना खतरनाक लग रहा है। तो सोचो पूरी मूवी में कैसा होगा। मूवी में भाले से एक आदमी के सिर में छेद करके उसे हवा में लटकाया जाएगा, वही सूली पर चढ़ाना, शरीर के अलग अलग अंगों को काटना, गला काटना, ऐसे भयानक सीन्स को भी मूवी में साफ दिखाया जाएगा। नंबर 5 पर डेंजरस बिहेवियर, प्रभास का यंगर वर्जन करंट की नंगी तार को छूता हुआ नजर आएगा। नंबर 4 इंजरी डिटेल, एक्शन सीन्स के बाद खून से लथपथ लाशों और आसपास की लाशों के ढेरों को दिखाया जाएगा। नंबर 3 लैंग्वेज, मूवी में 18+ लैंग्वेज होने वाली है जहाँ बेड वर्ड्स का भर कर यूज़ किया जाएगा। नंबर 2 थ्रेट एंड हॉरर, मूवी में लड़कियों को पकड़ने के लिए उन्हें डराया धमकाया जाएगा। नंबर 1 सेक्सुअल वॉयलेंस एंड सेक्सुअल थ्रेट, मूवी का मेन पॉइंट ही है जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने सलार को ए सर्टिफिकेट दिया। मूवी में कुछ लड़कियों को पकड़कर उनके साथ सेक्सुअल वॉयलेंस एंड थ्रेट को दिखाया जाएगा। तो ये थे 6 पॉइंट जिसकी वजह से सलार ए सर्टिफिकेट लेकर रिलीज हो रही है। अब अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।